हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, रोमन रेंस का जो हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलने वाला है वो देखने को मिलने वाला है सऊदी अरेबिया में होने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट क्राउन जूल में, जहां पर वो फेस करने वाले हैं लोगन पॉल को। और सभी के मन में यही डाउट है कि आखिर इस मैच में होने क्या कुछ वाला है। और आज की इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि हमें इस मैच की एंडिंग किस तरह से होते हुए दिख सकती है। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ ब्रॉक लेसनर से जुड़ी एक काफी बड़ी अपडेट के बारे में। इसके अलावा रोमन रेंस का नेक्स्ट मैच क्राउन जूल के बाद कब होने वाला है वो भी हो चुका है रिवील। तो सबसे पहले हम रोमन रेंस से जुड़ी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं कि क्राउन जूल के बाद उनका मैच हमें कब देखने को मिलने वाला है। तो आप सब जानते हो रोमन रेंस को WWE ने बिल्कुल एक्सक्लूसिव बना दिया, यानी कि वो हमें काफी कम WWE में देखने को मिलते, कुछ ही स्पेशल पेपर व्यू में कम्पीट करते। और इससे फायदा ये होता है कि जब भी वो कम्पीट करते देन वो चीज बन जाती है काफी ज्यादा स्पेशल, जैसा कि हम सब वेट कर रहे हैं उनके क्राउन जूल मैच के लिए। बट सवाल यही है, हमें क्राउन जूल के बाद रोमन रेंस का मैच कब देखने को मिलने वाला है? तो गाइस, रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के डेव मेल्जर ने यह बात साफ कर दी है, रोमन रेंस आप सबको क्राउन जूल के बाद होने वाले पेपर व्यू सर्वाइवर सीरीज में कम्पीट करते हुए दिखने वाले हैं एंड पॉसिबली वो पार्ट होने वाले हैं मेंस के वॉर गेम्स का शो। इस बार WWE सर्वाइवर सीरीज में कुछ नया करने की कोशिश कर रही है, हमें रॉ वर्सेस स्मैकडाउन देखने को नहीं मिलने वाला बल्कि NXT में जो वॉर गेम्स हमें देखने को मिलता था वो अब आ चुका है मेन रोस्टर पे और हमें दो वॉर गेम्स मैचेस देखने को मिलने वाले सर्वाइवर सीरीज के पेपर व्यू में। और जो मेंस का सर्वाइवर सीरीज मैच होने वाला है उसका पार्ट रोमन रेंस रहने वाले और वहां पर उनके पार्टनर्स हो सकते हैं और कोई नहीं बल्कि उनके ब्लड लाइन के मेंबर्स, यानी कि 5 मेंबर्स तो ऑलरेडी ब्लड लाइन में है ही, उनके अगेंस्ट कोई और 5 आ सकते हैं। वैसे अगर ब्लड लाइन का हमें वॉर गेम्स मैच देखने को मिलता है देन उनके अगेंस्ट आप किस और 5 सुपरस्टार्स को देखना चाहोगे वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर ली जाए जो कि जुड़ी हुई है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर से। सो जैसा कि ब्रॉक लेसनर हमें लास्ट समर स्लैम के पेपर व्यू में देखने को मिले थे, उसके बाद फैंस काफी ज्यादा वेट करे ब्रॉक लेसनर के रिटर्न का। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया है कि अपडेट्स के अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर आप सबको अक्टूबर मंथ में अपना रिटर्न करते हुए दिखने वाले एंड उनका मैच हमें देखने को मिलने वाला है क्राउन जूल पेपर व्यू में। सो गाइस, ब्रॉक लेसनर से जुड़ी एक और अपडेट निकल कर आई है जो कि एक तरह से बैड अपडेट ही है, बिकॉज अपडेट्स के अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर आप सबको इस साल USA में एक भी मैच लड़ते हुए नहीं दिखने वाले, यानी कि अगर वो हमें इस ईयर कम्पीट करते हुए दिखते देन वो पॉसिबली करने वाले सऊदी अरेबिया में होने वाले इवेंट क्राउन जूल में। इसके अलावा हमें इस साल वो और भी कोई पेपर व्यू का पार्ट होते हुए नहीं दिखने वाले एंड यस डे वन और रॉयल रंबल के पेपर व्यू के लिए तो उन्हें एडवर्टाइज किया ही जा रहा है। इसलिए आप सब कह सकते हो इस ईयर आप सबको ब्रॉक लेसनर काफी कम देखने को मिलने वाले WWE में, अगर वो देखने को मिलते भी है देन वो हमें रेसल करते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन आप सब जानते हो भाई, प्लान्स कभी भी चेंज हो जाते हैं, बट हाँ अभी के लिए तो WWE के यही प्लान्स है। वैसे आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर से बताना आप ब्रॉक लेसनर का मैच क्राउन जूल पेपर व्यू में किस सुपरस्टार के अगेंस्ट देखना चाहते हो। और अब फाइनली बात कर ली जाए अपने नेक्स्ट थिंग के बारे में जो कि जुड़ी हुई है क्राउन जूल पेपर व्यू में होने वाले रोमन रेंस वर्सेस लोगन पॉल के अनडिस्प्यूटेड टाइटल मैच से। देन जैसा कि इस मैच के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है जिस तरह से WWE ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कराकर इस मैच के लिए हाइप क्रिएट किए, बट सवाल यही है कि आखिरकार इस मैच की एंडिंग किस तरह से होने वाली है, बिकॉज आप सबको पता है ये बैटिंग ऑड्स भी यही थिंग सजेस्ट करती है। और अपडेट्स के अकॉर्डिंग भी यहां पर रोमन रेंस इजीली हराने वाले हैं लोगन पॉल को एंड रिटेन करने वाले अपनी अनडिस्प्यूटेड टाइटल। बट ये मैच जब पॉसिबली होने वाला है क्राउन जूल के मेन इवेंट में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, सिंपल तरह से इसकी एंडिंग हो जाए जरूर से यहां पर हमें कुछ ना कुछ बड़ा देखने को मिलने वाला। वहीं बात कर ली जाए उन तीन चीजों के बारे में जिस तरह से हमें इस मैच की एंडिंग होते हुए दिख सकती है, तो सबसे पहले तो ये चीज है कि सिंपली रोमन रेंस हरा दे लोगन पॉल को एंड वो रिटेन कर ले अपनी चैंपियनशिप। वहीं जो दूसरी थिंग हो सकती है वो है कि इस मैच में हमें इंटरफेरेंस होते हुए दिखे। अब इंटरफेरेंस से आप सभी के मन में उसोस या कहा जाए ब्लड लाइन के नाम आता होगा, बट अगर आप सब चैनल के साथ जुड़े हुए होंगे तो मैंने आप सबको बताया कि इस मैच में हमें एक और इंटरफेरेंस होते हुए दिख सकती है एंड वो किसी और के नहीं बल्कि लोगन पॉल के ब्रदर जेक पॉल की, जो कि उनकी हेल्प करने के लिए आ सकते हैं, बिकॉज जेक पॉल ने खुद कहा है कि उन्हें सऊदी अरेबिया आना चाहिए इस चीज को हैंडल करने के लिए। सो अगर लोगन पॉल को WWE चैंपियन बनाने के बारे में सोच रही है तो यही बस एक तरीका हो सकता है जिसके वजह से लोगन पॉल बन सकते हैं चैंपियन, नहीं तो रोमन रेंस बिना किसी की हेल्प के या फिर उसोस की मदद से हमें हराते हुए दिख सकते हैं लोगन पॉल को और रिटेन करते हुए दिख सकते हैं अपनी अनडिस्प्यूटेड टाइटल। वहीं अपने थर्ड थिंग के बारे में बात कर लीजिए जिसके अच्छे खासे चांसेस है और वो ये है कि हमें मिस्टर मनी इन द बैंक ऑस्टिन थ्योरी इस मैच में अपनी कॉन्ट्रैक्ट करते हुए दिखे कैश इन। अब आप सबको पता ही है ऑस्टिन थ्योरी के कॉन्ट्रैक्ट जीतने के बाद रोमन रेंस ने दो ही चैंपियनशिप मैच लड़े WWE में
जिसमें से दोनों ही मैचेस में थ्योरी ने कैश इन करने की कोशिश की है और चांसेस अच्छे खासे हैं। एंड उन्होंने खुद भी क्लैश एट द कैसल की बात के रॉ में कहा है कि वो क्राउन जूल में भी ट्राई करने वाले कैश इन करने की। इसलिए गाइस चांसेस काफी ज्यादा है कि आप सबको रोमन रेंस वर्सेस लोगन पॉल के मैच में ऑस्टिन थ्योरी करते हुए दिख सकते हैं कैश इन। एंड अगर WWE कुछ ज्यादा बड़ा सरप्राइज प्लान करिए तब यहाँ पर हमें ऑस्टिन थ्योरी लोगन पॉल को पिन कर बनते हुए दिख सकते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। नहीं तो आप सबको पता है ये चीजें अगर नॉर्मली जाती है तो क्या होना है, रोमन रेंस ऑस्टिन थ्योरी को पिन कर रिटेन करते हुए दिख सकते हैं अपनी चैंपियनशिप। सो गाइस यही वो ऐसे तीन एंडिंग थी जो कि हमें रोमन रेंस एंड लोगन पॉल की मैच की होते हुए दिख सकती है। लेकिन आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना आप क्या चाहते हो, इन तीनों एंडिंग में से हमें कौन सी एंडिंग देखने को मिले। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में।